हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड नमस्कार। आप जैसा कि देख सकते हो, ये मेरा गुलदाउदी का पौधा ख़राब हो रहा है। तो हम आपको बता दें, अगर आपके घर में भी गुलदाउदी के पौधे हैं तो गुलदाउदी का पौधा जो है वो ठंड के मौसम में ही फूल को खिलाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी ठंड का मौसम चल रहा है लेकिन गुलदाउदी का पौधा मेरा ख़राब हो रहा है, क्योंकि ये जो गुलदाउदी का सीज़न है ये अब जा रहा है। ठंड धीरे धीरे बढ़ा रही है, जैसा कि सब जगह अभी बहुत भयंकर ठंड फैली हुई है, तो ये पौधा जो है ये पूरे ठंड में अच्छे से नहीं रहता है। जो हल्की ठंड पड़ती है स्टार्टिंग में, उसमें ये पौधा बहुत अच्छे से रहता है और फूल को खिलाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, कुछ कुछ फूल जो है वो सूख रहे हैं और पौधा जो है वो धीरे धीरे मरने के कगार में आ रहा है। तो आप अपने पौधे को किस प्रकार बचा सकते हो, फूल जो है वो हमेशा खिले, तो आप इसमें क्या फर्टिलाइज़र को डालोगे जिससे आपका पौधा बिल्कुल अच्छा रहे, तो आज मैं आपको यही बताऊंगी। अगर आपके भी घर में गुलदाउदी के पौधे हैं तो आप देख रहे होगे कि वो धीरे धीरे नहीं फूल को खिला रहा होगा, यानी कि पौधे में जो है वो सूख रहे होंगे फूल और पत्ती जो है वो मरून कलर की होती जा रही होगी, क्योंकि हमारे पौधे को भी ठंड लगती है। जैसा कि अभी बहुत जोरों का ठंड चला हुआ है, तो जितना ज़्यादा ठंड होगा पत्तियां जो है वो सिकुड़ती जाएगी और फूल नहीं खिलेगी। तो आज मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ कि ठंड में आप अपने पौधे की कैसे केयर कीजिए और अपने गुलदाउदी के पौधे पूरे सीजन कैसे हरा भरा रखिए। सबसे पहले, आपके भी अगर पौधे में इस तरीके से सूखे हुए फूल है तो उसे आप कट करके निकाल दीजिए। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरी कली है। कली जो है वो फूल को खिलाती लेकिन अब नहीं खिलाई, क्योंकि गुलदाउदी का पौधा का सीज़न जो है वो जा रहा है, अब ये नेक्स्ट ईयर खिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अपने नखून की हेल्प से जब इसे नोच के देख रही हूँ तो इसमें पता चल रहा है कि ये कली नहीं खिली है, ये सूख चुकी है, क्योंकि इसका मौसम जो है वो धीरे धीरे जा रहा है। अब ये नेक्स्ट ईयर फूल को खिलाएगा, नेक्स्ट ईयर फूल को खिलाएगा। तब तक के लिए आप अपने पौधे को किस तरीके से बचा सकते हैं, तो आप जितनी अच्छे से प्रूनिंग करके अपने पौधे को सही सलामत रखोगे, आपका पौधा नेक्स्ट ईयर फिर से फूल को बनाएगा, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, उसके बाद ये फूल नहीं खिलाएगा। जैसे कि आप देखिए, मैंने प्रूनिंग अच्छे से अपने पौधे की कर दी है, मैंने उस गुलदाउदी के पौधे की भी प्रूनिंग अच्छे से की है, सारे फूल जो भी खिले हुए थे बहुत दिन से, तो उसे भी हटा देना है। मैंने स्टेम को भी कट कर लिया है, आप देख सकते हो। इस स्टेम को मैं फेंकूंगी नहीं, मैं इसका कटिंग लगाऊंगी। आप गुलदाउदी के पौधे की अगर स्टेम की कटिंग करते हो तो उसे आप फेंके नहीं, आप इसकी कटिंग को कहीं भी लगा दें, इसका कटिंग लग करके तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपने इस पौधे की अच्छे से प्रूनिंग कर दी है, जैसा कि जो जो भी सूखा हुआ फूल था उसे अच्छे से कट करके निकाल दिया है। अब पौधा बिल्कुल स्वस्थ लग रहा है। इसमें हालांकि कोई पीली पत्तियां नहीं थी, ना ही मुरझाई हुई पत्तियां थी, ना ही कोई ब्राउन हुई पत्तियां थी, लेकिन जो फूल थे वो सूखे सूखे टाइप के बहुत दिन से खिले हुए थे और वो धीरे धीरे सूख रहे थे। जैसा कि अब गुलदाउदी का सीज़न जा रहा है तो अब तो इसमें फूल खिलाएगा नहीं, इसीलिए आपके भी अगर पौधे में बहुत दिनों से फूल खिले हुए हैं और वो धीरे धीरे सूख करके पौधे में ही रह रहे हैं, तो उसे आप पौधे में ना रहने दें, सबसे पहले आप उसे कट करके निकाल दीजिए। इसके बाद मैं खाद के बारे में बता दे रही हूँ, उसके बाद कटिंग के बारे में बताऊँगी, फिर छिड़काव कैसे करना है आपको वो बताऊँगी। तो कटिंग से तो मैं बताऊँगी बाद में, तो खाद पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको जो खाद डालनी है वो है डीएपी खाद। डीएपी खाद जो होता है वो नर्सरी वालों का सीक्रेट होता है। नर्सरी वाले जो है वो गुलदाउदी के पौधे को डीएपी खाद वगैरह डाल के ही अपने पौधे को पूरे साल अच्छे रखते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर उसमें अच्छे से फूल खिला के उसे बेचते हैं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले कुड़ाई कर लेनी है, कुड़ाई करने के बाद इसमें डीएपी खाद को डाल देनी है।
आपको ज़्यादा नहीं 10 से 15 दाने डीएपी खाद को डालना है। आप देख सकते हो आपके घर पे अगर डीएपी खाद नहीं है तो आप नर्सरी से जाके ले आइए, ये आराम से आपको मिल जाएगी। इस तरीके से हम दूसरे पौधे में भी डाल दे रहे हैं। आपके घर पे जितने भी गुलदाउदी के पौधे हैं उसमें आप डीएपी खाद को डाल सकते हो। इसके बाद आपको छिड़काव कर देना है। मैं यहाँ जीरा पानी से छिड़काव कर रही हूँ। बस एक चम्मच जीरा को मैंने एक गिलास पानी में अच्छे से खौला लिया है, उसके बाद उसे ठंडा करके अपने पौधे में डायरेक्ट स्प्रिंकल कर रही हूँ। जीरा पानी पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये पौधे में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं तो उसे भगा देगा या उसे मार देगा, और पौधे को बिल्कुल स्वस्थ रखने में, तरोताज़ा रखने में ये हेल्प करता है। जीरा का पानी जो है वो थोड़ा गर्म प्रदान करता है पौधे के लिए। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जीरा का पानी अपने पौधे में डालिए ठंडे के टाइम में, ये थोड़ा गर्म प्रदान करेगा आपके पौधे में। तो उसी तरीके से मैं भी यूज़ कर रही हूँ आज, क्योंकि ये मैं अभी ठंडी के टाइम है तो मैं इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये पौधे को बहुत बेनिफिट देता है। आप भी यूज़ करके ज़रूर देखिए जीरा का पानी। अगर आपके घर पे नहीं अवेलेबल है जीरा, आप नहीं बना सकते हो, तो आप सादे पानी का यूज़ कर सकते हो, लेकिन जीरा का पानी अगर आप यूज़ करोगे तो वो बेहतर रिजल्ट देगा। या फिर आप नीम ऑयल से भी स्प्रिंकल कर सकते हो, अपने पौधे में छिड़काव कर सकते हो। नीम ऑयल भी पौधे के लिए बहुत बेनिफिट होता है। इसके बाद चलिए हम आपको कटिंग से बताते हैं। तो कटिंग लगाने के लिए मैंने 20% सैंड, 20% बहुत पुराना गोबर खाद और 60% मैंने मिट्टी यूज़ किया है। इसमें कटिंग ईजिली तैयार हो जाती है। आप किसी भी तरह की कटिंग को ऐसे मिश्रण में लगा सकते हो। तो कटिंग लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो भी आप कटिंग लिए हैं उसमें एलोवेरा जेल ज़रूर लगाइए। अगर आपके घर पे ओरिजिनल एलोवेरा है तो आप उसका जेल लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और नहीं है तो बाज़ार से लाए हुए एलोवेरा जेल को यूज़ करके लगाइए। इससे कोई भी कटिंग लग जाती है। एलोवेरा इसलिए लगाया जाता है ताकि इसके जड़ में इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए ये कटिंग जो है 15 दिन में लग करके तैयार हो जाएगी, यानी कि 15 डेज में इसमें अच्छे से जड़ निकल आएगा। यही सही तरीका होता है कटिंग लगाने का। आप इस टाइप के मिश्रण में लगा सकते हो या फिर कोकोपीट में कटिंग को लगा सकते हो। 15 दिन में इसमें जड़ निकल आएगा तो आप कोई भी बड़े से गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने इस कटिंग को। पूरे साल अपने इस तरीके से गुलदाउदी के पौधे को आप अच्छा रख सकते हो। फिर जब नेक्स्ट टाइम सीज़न आएगा तो ये फिर से फूल खिलाएगा, कलियां बनाएगा, आपको पौधा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो सूखा हुआ फूल है इसे फेंकना नहीं है, इसे सूखा करके इसे अच्छे से कंपोस्ट बनाना है। सूखा करके इसे हम खाद बना करके अपने पौधे में यूज़ करेंगे। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए।